माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एफेसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 पर मन चिंतन करेंगे। एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 20। मैं सबसे पहले उस वचन को पढ़ना चाहूंगा जिसका सामर्थ्य हमें क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है। फिर से पढ़ना चाहूंगा, जिसका सामर्थ्य हमें क्रियाशील है। इसका मतलब, जिसका मतलब ईश्वर का सामर्थ्य हम लोगों के अंदर क्रियाशील है करके कहते हैं, और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है। अर्थात हमारे अंदर ईश्वर का जो सामर्थ्य क्रियाशील है वो ऐसे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। हम जितना प्रार्थना कर सकते हैं, जितना हम कल्पना कर सकता है, उससे कई गुना अधिक कार्य हम लोग कर सकते हैं ईश्वर का जो सामर्थ्य जो हमारे अंदर क्रियाशील है। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युगान युगों तक महिमा आमेन बोल करके यहां कदम किया है। ये आमेन बोल करके कदम इसलिए किया है, वाक्य 14 से लेकर के वाक्य यहां 21 तक का संत पौलुस एफेसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए अध्याय 3 का वाक्य 14 से यदि पढ़ करके आएंगे, यहां वाक्य 20 को और अधिक हम समझ पाएगा। यहां संत पौलुस एफेसुस के कलीसिया को ये समझाते हैं कि आपके अंदर ऐसा एक सामर्थ्य, एक शक्ति क्रियाशील कार्यरत है जो आप जिसके विषय में सोच नहीं सकता, जितने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उससे अधिक कार्य आपके जीवन में संपन्न करने में शक्तिशाली एक सामर्थ्य, एक शक्ति आपके अंदर है करके बता कर दे रहा। और उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हुए वाक्य 14 से थोड़ा सा भी पढ़ लेता हूं। कहते हैं, मैं उस पिता से, देखो किसका सामर्थ्य, उस पिता का सामर्थ्य हमारे अंदर संबंध है। इसलिए वाक्य 14 में लिखा है, उस पिता से, पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक करके यह प्रार्थना करता हूं। इसका मतलब संत पौलुस उस पिता ईश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि वह अपने आत्मा के द्वारा, इसका मतलब हमारे अंदर जो सामर्थ्य क्रियाशील है, एक का तो पता चल गया, वो है ईश्वर का वो आत्मा। वो अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे,
इसका मतलब केवल आत्मा नहीं बल्कि उसके साथ अपनी अपार कृपा निधि से, कृपा एक शब्द कई लोगों को कृपा के विषय में मालूम नहीं है, ईश्वर की कृपा और दूसरा एक शब्द है करुणा। ये दो शब्द हमारे जीवन में बहुत ही कीमती शब्द है। हमें ईश्वर की करुणा की कृपा की जरूरत है। जैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील रहता है, उसी प्रकार ईश्वर की करुणा कृपा हमारे हमें जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2003 को अगर पढ़ेंगे, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2003, वहां पर इस कृपा दान के जरूरत के विषय में हमें बता कर दे रहा है। कृपा के विषय में 1996 से कैटेगरीज़म ऑफ कैथोलिक चर्च 1996 से लेकर के हेडिंग ही हुई है ईश्वर का कृपा दान। इसके बाद वो चलते जा रहा है 2005 तक 1996 से लेकर के 2005 तक इस कृपा दान के विषय में ही बता करके दिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये कृपा दान हम लोगों के जीवन में कैसे कैसे काम करता है, इसका क्या महत्व है, इसको क्यों हमारे जीवन में अपनाना है, इसके लिए कृपा के लिए करुणा के लिए क्यों प्रार्थना करना है, वो हमारे जीवन का जो कार्य कैसे करता है, ये सब हमें ये कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर बता करके देता है। ईश्वर की करुणा, ईश्वर की कृपा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम कितना प्रार्थना करते हैं या कितना समय प्रभु के लिए व्यतीत करते हैं, हम लोग सोचते हैं हाँ इसके कारण हम मुक्ति प्राप्त किया है क्योंकि हम बपतिस्मा लिया, हम ये किया, हम वो किया, इस पर नहीं है। ये एक गलत धारणा है। हम इस प्रकार एक प्रार्थना करते हुए कुछ पाया ये अगर सोच रहा है, ये गलत धारणा है। हमने अगर कुछ भी अपने जीवन में पाया है, आज यदि मैं जीवित हूं, उसका कारण है प्रभु की कृपा करुणा। प्रभु की करुणा ने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट से मुझे बचाया। यदि कुछ आज खाने पीने के लिए मिल रहा है, वो प्रभु की कृपा है, करुणा है। आज सांस लेकर के जिंदा है, ये ईश्वर की कृपा है। इसलिए ईश्वरीय वो शक्ति को हमें पहचानने की जरूरत है। पवित्र आत्मा का वो शक्ति सामर्थ्य जो हमारे अंदर क्रियाशील है, वो पवित्र आत्मा हमें जो मिला है वो भी ईश्वर की कृपा के कारण है, ईश्वर की कृपा के कारण है। इसका मतलब हमारे अंदर हमें आग्रह करना, हमें प्रार्थना करना है ईश्वर की कृपा से, करुणा से भरने के लिए। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक में जो आप लोग शाम की विनती जो करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में जो शाम की प्रार्थना है, संध्या प्रार्थना जो लिखा हुआ है, और जो प्रार्थना जो उसको प्रारंभिक प्रार्थना बोल करके मेरे विचार में पेज नंबर 15 में जो प्रार्थना है, प्रारंभिक प्रार्थना जो प्रणाम मर्यादा तक का जो प्रार्थना है उसको प्रारंभिक प्रार्थना कहते हैं, उसी के अंदर देखना कितने बार हम पर करुणा कर, करुणा कर, करुणा कर ये शब्द को इस्तेमाल किया। इसलिए इस्तेमाल किया, ईश्वर की करुणा और कृपा की हमें मांग करना है। ईश्वर की करुणा के कारण हम आज जीवित है। ईश्वर की वो करुणा, वो प्रेम, वो कृपा के कारण हम पाप मुक्ति प्राप्त किया,
हम उसके योग्य कहां था, हम ईश्वर को जानता तक नहीं था। इतना अधिक प्यार हमारे अंदर आने का कारण है ईश्वर की वो कृपा। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ अध्याय 2003-4 और 5 में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर जाकर डाल करके लिखा है, एक मनुष्य के लिए सर्व जो प्रधान जो बात है, सबसे मुख्य बात यह है ईश्वर की करुणा को पाए, ईश्वर की करुणा पाए। इसलिए बार बार हमारी प्रार्थना में हम पर करुणा कर, हम पर दया कर, ये जो शब्द इस्तेमाल करना बहुत जरूरत है। ईश्वर के सबसे बड़ा गिफ्ट ही हमें करुणा के रूप में मिला है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। कैटेकिस्म हमें सिखाते हैं यदि हमें ईश्वर की करुणा वो एक गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, वो करुणा में हम एक दूसरे के संगति बरताते हुए और उस संगति में ये जो कलीसिया जो बढ़ रहा है, कलीसिया का एकता, ये सब प्रभु की वो करुणा के कारण जो हमारे अंदर जो क्रियाशील रहता है। इसलिए हमारे अंदर जो निवास करने वाला जो शक्ति के विषय में, सामर्थ्य के विषय में संत पौलुस जो एफेसियों को लिखा है, सबसे पहले वो शक्ति है ईश्वर की करुणा, ग्रेस ऑफ गॉड। इसके बाद उसके साथ साथ उस ग्रेस, उस करुणा के कारण हम पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, वो भी हमारे अंदर क्रियाशील रहता है। इसलिए वो ईश्वरीय कृपा करुणा से हम भर करके पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, ईश्वरीय कृपा के साथ मिलकर हम ऐसे ऐसे कार्य भी कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकता है। कई बार ऐसे ऐसे चमत्कारों को देखने के लिए मिलता है, हम सोच नहीं सकता है। अभी जो हाल ही में मैंने एक क्लास डाला था, परम प्रसाद को ग्रहण करते ही एक बेटी का, 16 साल की एक लड़की, जो यूथ डे के दिन में परम प्रसाद को ग्रहण करते ही जो अंधी लड़की, उसकी आंखें खुल गया। हम सोच नहीं सकता, ऐसे ऐसे कर करके हमारे बीच में कितना घटनाएं होते हैं। डॉक्टर लोगों ने कहा ये अभी जिंदा नहीं हो सकता, अभी मर रहा है। ऐसे केसों को जो हॉस्पिटल से निकाल ले, हाँ अभी घर में मरने दो बोल करके जो रिजेक्ट किया, जो निकाला, वहां से डिस्चार्ज कर करके जो घर लेकर के आया, प्रभु की कृपा, प्रभु का करुणा, वो साइंस जो मेडिकल साइंस जो सिखा रहा है उससे परे, वो लोग जिंदा हो रहा है, पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त कर रहा है। एड्स जैसे बीमारी, कैंसर जैसे बीमारी से लोग जिंदा हो रहा है, ये सब प्रभु की करुणा कृपा के कारण। और प्रभु हमारे अंदर जो रह करके जो कार्य कर रहा है, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा कितने लोगों को आशीष मिल रहा है, वचन सुन रहा है। मैं बहुत ही कम चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास है जो मुझे सुनने वाले जो लोग हैं, ईश्वर का वचन सुन रहा है, वो वचन लोग सुन रहा है, उसके द्वारा अनेकों लोगों को आशीष कृपाएं मिल रहा है। यदि कोई वचन बार बार सुन रहा है, मुझे मालूम है अनेकों लोग सुबह 5 बजे क्लास को अपलोड करते ही देखने वाला, कई लोग ऐसा है सुबह ही क्लास देखते हैं, ये क्लास अपलोड होते ही देखने के लिए इंतजार है। अगर कभी किसी कारण देरी लगा, अपलोड नहीं कर पाया, मुझे कई लोग मैसेज करते हैं, ब्रदर क्लास नहीं आया, ब्रदर क्लास नहीं आया, कितने उत्सुकता के साथ क्लास सुनने के लिए। क्या कारण है? एक ही कारण है, इस क्लास के द्वारा अनेकों को कृपा मिल रहा है, अनुग्रह मिल रहा है, कई घरों में शांति आए, कई लोगों को चंगाई मिल रहा है, कृपा आशीष मिल रहा है।
प्रभु कार्य कर रहा है। प्रभु का वचन सुनते वक्त मेरा एक ही काम है, आप लोगों का रुख, आप लोगों का जो जो चेहरा फेस प्रभु की ओर करवाए। मैं अपने को कुछ श्रेष्ठ नहीं मानता मेरे कारण कुछ हो रहा है बोल करके, नहीं, इस गदह को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, कुछ प्रभु बोल रहा है आपसे। जब आप मुझे सुनने का उत्सुकता दिखा रहा है, आप प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर अपने को मोड़ रहा है। जैसे हवा आपको चाहिए तो आपको फैन आपकी ओर लगाना पड़ेगा, या जहां फैन है वहां जाकर के फैन की ओर आप बैठेगा तब आपकी ओर हवा आएगा। हवा का अनुभव के लिए आपको फैन के पास जाना जरूरी है। उसी प्रकार आपके अंदर वो क्रियाशील शक्ति आपके द्वारा कार्य करना है, आपका रुख, आपका डायरेक्शन उस प्रभु की ओर होना जरूरी है। मेरा काम वही है। अगर आप ट्रैक गलत ट्रैक में गाड़ी चला रहा है, आपको सही ट्रैक में लाना मेरे क्लास के द्वारा यही कोशिश करता है। इसके द्वारा जब आप ट्रैक बदलते हैं, आप सही पटरी पे आता है, आपके जीवन में अपने आप आशीष, कृपा है, चंगाइयां, बरकतें, पता नहीं अनगिनत आशीष हमारे अंदर आता है। ये क्रियाशील वो जो शक्ति है हमारे अंदर है, उसको इसका मतलब पहचानने के लिए हमारा रुख, हमारा डायरेक्शन प्रभु की ओर होना जरूरी है। जब हम प्रार्थना भक्ति के द्वारा अपना हृदय मन प्रभु की ओर करता है, प्रभु के साथ जुड़ जाता है, तब हमारे अंदर का वो जो कृपा निधि, जो शक्ति जो अंदर होता है, जो हमारे प्रार्थना और भक्ति के भी परे हमारे जीवन में हो जाता है। मैंने मेरे जीवन में अनेकों ऐसा जो घटनाएं उदाहरण है जो मैं स्वप्न में भी नहीं देख सकता, ऐसी ऐसी कृपा आशीष मेरे जीवन में मुझे मिला है। मैं स्वप्न में भी, पहली बात मैं बताता हूं, मैं हिंदी नहीं सीखा, मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैं एक सुसमाचार का प्रचारक बनूं। एक दिन प्रभु ने ऐसा मेरे हृदय में प्यास दिया बाइबल को पढ़ने का, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, बाइबल में डिप्लोमा करना शुरू किया, और इस प्रकार प्रभु के बारे में जानना, और ऑटोमेटिकली ऐसे एक अवसर आया, मैं कहीं नहीं गया, किसी पुरोहित के द्वारा मुझसे आग्रह किया आप थोड़ा सा बोलने के लिए, हिंदी नहीं है ये बोल करके दिया, लेकिन एक अवसर मिला। और उस अवसर खोलने के लिए हमारे जबलपुर में एक फादर जोस प्रकाश को प्रभु ने फिर भेजा सन 2000 में, और उनके द्वारा मुझे जबलपुर से या अन्य स्टेटों में अनेकों धर्म प्रांत में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। देखो किस प्रकार खुलते गया। ये जो यूट्यूब चैनल खोलना, ये कोरोना काल में, उससे पहले मैं कभी यूट्यूब चैनल देखता नहीं, मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे जीवन में मैंने कभी भी यूट्यूब नहीं देखा। कोरोना काल में लोग आग्रह किया ब्रदर क्लास यूट्यूब के अंदर डाल, मैंने बोला मुझे नहीं मालूम ये यूट्यूब क्या है। आज रोज क्लास डाल रहा हूं। हम सोच नहीं सकता, हमने कभी उम्मीद नहीं किया मैं ये सब कर सकता, लेकिन हमारा रुख जिससे हम जुड़ा हुआ है उस ईश्वर हमारे अंदर का वो जो शक्ति और कृपा दान के द्वारा वो सब कुछ संपन्न कर सकता है। और अन्य कुछ भौतिक बातों को भी अगर देखें, घर का जरूरत था, जितना स्वप्न नहीं देखा उससे 3 गुना करीब बड़ा घर को दिया। ऐसे ऐसे करके अनेकों बार ये जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ किताब छपना था, 2017 में जो पहली बार छपने के लिए देखा, प्रेस वाले ने बोला कम से कम 1.5 लाख रुपया लग रहा है, कहां से आएगा।
नहीं है, पत्नी से मांगा उतना कहां से आएगा, ये सोच करके था। मैं स्वप्न नहीं देख, स्वप्न में भी नहीं देखा था। मैं पहले आर्मी में काम किया था, आर्मी में मिलिट्री में। 95 में मैं रिटायर हुआ, 2017 में आकर के हम लोगों को कुछ आरियस दिया। कितना चाहिए था मुझे? 1.5 लाख रुपया। मैं सोच नहीं सकता, किसी ने मेरे को बोला इसे आरियस मिल रहा है। मैं जाकर के बैंक में जाकर के देखा है तो करीब करीब 1.5 लाख रुपया आया हुआ है। क्या सोच सकता है? पवित्र बाइबल हमें सिखाता है, एफेसियों का पत्र दिया है 3:20, हमारे अंदर ऐसे एक शक्ति क्रियाशील है। उस शक्ति को अगर अपने जीवन में अपनाना है, अनुभव करना है, आपका रुख, आपका चाल चलन प्रभु के समान बनाइए, यीशु के साथ एक बन जाइए, तब वो शक्ति आपके अंदर कार्यरत रहेगा, आपके जीवन में देखने के लिए लगेगा और आपके द्वारा ऐसे महान महान कार्य प्रभु संपन्न करेगा जो आपके सोच से भी, स्वप्न से भी परे रहेगा। आप प्रार्थना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा कार्य प्रभु करेगा। एक ही कार्य करना है, आपकी प्रार्थना, प्रभु मुझ पर दया कर, करुणा कर, रहम कर, और प्रभु के समान एक पवित्र जीवन, विनम्र जीवन, और उस सत्य कलीसिया जो सिखाता है, उस कलीसिया जो सिखा रहा है, उसी पर चलने का एक निर्णय कर लो। आपका रुख, आपका चाल, आपका ट्रैक सही हो गया, आपको प्रभु मिल गया, अब वहां आपके अंदर कार्यरत है पिता की वो आत्मा, पिता की वो करुणा, वो सब कुछ संपन्न करेगा। आइए हम अपने आंखें बंद करें, निर्णय करें, मैं प्रभु की ओर देखूंगा, प्रभु से जुड़ूंगा, प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में। निर्णय कीजिए, प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में बढ़ने के लिए। जितने भी लोग वचन सुन रहा है, उन सबों के जीवन में प्रभु का अनुग्रह आशीष बढ़ता जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।